विशस्त्र अधिकता एक गांठ बना देती है, यानी ट्यूमर। कुछ ट्यूमर्स हानिकारक नहीं होते, ये नजदीकी टिश्यूज पर हमला नहीं करते और न ही शरीर में फैलते हैं, मगर कपटी ट्यूमर कैंसर है। ये सेल्स अच्छे टिश्यूज पर आक्रमण करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं और शरीर के दूसरे भागों में फैल जाते हैं खून और टिश्यूज के तरल पदार्थ के द्वारा। जब हमें ट्यूमर का पता चलता है तो हम उसके विकास को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा या कहाँ इसका अंत होगा। ये बीमारी का या रोगी का अंत नहीं है, बल्कि इसके विकास का अंत है। हमें सही में समझना ये है कि पहला बदलाव शरीर में क्या हुआ जिससे सेल्स को विकसित होने का अवसर मिला। पर यूं कहें कि क्या सेल्स चलायमान है और बदलाव में इनका कितना हाथ है और बदलाव की संभावना कितनी है। ये कपटी सेल से बनी द्रोही सेल्स है, यही कपटी सेल्स कहलाते हैं ल्यूकेमिया, कैंसर का एक रूप। आम क्रोमोसोम की संख्या की जगह अभी 47 है। क्रोमोसोम 8 की 3 प्रतियां हैं, जबकि आम तौर पर 2 ही प्रतियां होती है क्रोमोसोम 8 की। और अब हमें देखना है कि खतरा किस हद तक है, यह शरीर के और भागों को और कितना नुकसान और वो भी किस हद तक पहुंच सकता है, साथ ही क्या विशेष बदलाव लाएगा, तभी हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस खतरे को कैसे कम किया जा सके। तो पहले हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा कोई भी गांठ टेस्ट में अगर आपको फील होती है, अब ये सेंसिटिव इशू है मुझे पता है, बोलना आसान नहीं होता है, पर जिससे भी आप शेयर कर सके, अपनी माँ अपनी बहन, पहले जाके उसको दिखाइए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अरे दर्द नहीं हो रहा है तो ठीक है, बुखार नहीं आ रही है तो ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब हो। जब और फैल जाता है उसके बाद ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर दर्द नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं दिखाए, टेस्ट करा लीजिए और अगर कुछ नहीं है तो अच्छी है बात, लेकिन शेयर कीजिए किसी के भी साथ, कोई भी बहन माँ बेटी जो भी होगा उसके साथ। और ये खासकर प्रिवेलेंट है जो बूढ़ी औरतें होती है 50 के ऊपर, उनमें ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं, अभी हमने वीडियो में देखा वो 36 साल की थी जब उसको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बूढ़ी औरतों में होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी के बारे में ध्यान रखना है, आप खुद हैं जो अपने आप में चेंजेस देखते हैं। तो ये समझ के चलिए कि जो आपको है सबसे पहले पता चले, और कैंसर का इलाज यही है जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए। उसको इग्नोर करते रहेंगे बहुत दिन हो गए फिर वो फैल गया, दैट इज नॉट द वे, ठीक है। और दूसरा जो प्रिवेलेंट कैंसर है लेडीज में वो होता है यूट्रस का और सर्विक्स का। यूट्रस जो बच्चे की थैली होती है वो, और सर्विक्स जो उसका बच्चे की थैली होती है उसका मुंह होता है, उसमें कैंसर होता है। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है बहुत बार डिटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं देते सिम्टम्स, अंदर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मेक श्योर कि आप ध्यान रखें जो आपकी मंथली साइकिल है, जो पीरियड्स होते हैं वो बराबर आ रहे हैं, अगर बहुत दिनों तक चल रहे हैं कुछ उसमें इरेग्युलरिटी है तो चेक कराइए, नॉर्मल नहीं है। अगर कोई भी चीज आपको नॉर्मल नहीं हो रही है उसको चेक कराइए। इसमें क्या होता है, बहुत लोगों ने कहा ऐसा होता है, हमें भी होता है तुम्हें भी होता है, दो लोगों को होता है चार लोगों को होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल है, तो वो आपको चेक कराना है हमेशा, ठीक है। और उसके लिए पैप स्मियर करके टेस्ट होता है जिससे कैंसर है या नहीं ये नहीं पता चलता, लेकिन अब क्या आपको कैंसर हो सकता है ये पता चलता है। और ये सारी जो मैरिड लेडीज हैं या 40 के ऊपर की लेडीज हैं उनमें कराते हैं, तो आप ये भी कोशिश कीजिए कि आप करा सके। अगर कोई कैंप होता है या कोई लोकल डॉक्टर जो करते हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है ये आप समझ लीजिए। सारी औरतें बिकॉज आप अपनी बॉडी को देखती हैं, उसमें जो भी चेंजेस आते हैं कि आपको नोटिस करने, बाहर वाला कोई देख के आपको नहीं बताएगा कि अच्छा कैंसर है या कोई बीमारी है, तो आपका खुद का अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सेल्फ एग्जामिनेशन, अभी जो हम वीडियो देखेंगे वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है, उसमें आप खुद एग्जामिन कैसे कर सकते हैं, कौन सी पार्ट्स है अपने ब्रेस्ट की जिसमें आपको फील करना है कोई गांठ है कि नहीं। वो छोटी से छोटी मटर के साइज की भी गांठ हो सकती है लेकिन वो कैंसर की हो सकती है, या वो बड़ी हो सकती है। और स्टेजेस होते हैं कैंसर में, 1, 2, 3।
सर्जरी को, लंग में जो गांठ होती है वो वहीं के वहीं रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं नहीं फैली है, उसके पार्ट्स परफेक्ट नहीं कर रही है, सर्जरी करके निकाली जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। टूर में वो आसपास की जगहों में फैलने लगती है, और थ्री और फोर में वो दूसरे पार्ट्स में फैलने लगती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए कई बार होता है कि वो बगल तक चली जाती है, ये टू में होता है। ऑपरेशन करके वो ठीक हो सकता है, वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो निकाले जाते हैं वो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर दूसरे पार्ट्स में चली गई, जैसे पीछे लंग्स है, हार्ट है, आसपास के पार्ट्स में चली गई, तो वो और मुश्किल होता है ठीक करना। आप समझते हैं, जैसे एक जगह जख्म होगी तो उसको वहां के वहां ठीक किया जा सकता है, अगर वो जख्म फैल रही है तो उसको ठीक करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहती। तो ये बहुत बहुत द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग टू रिमेम्बर इज, जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है, और उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, जो भी बॉडी में चेंजेस आएंगे वो आप ही को देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये वीडियो देख लीजिए, उसमें जो भी एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं वो देख लीजिए, और फिर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो इनको भेज देंगे, फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कुछ और पूछना है किसी को या कुछ देखना है पर्टिकुलर? देखकर मैं नॉर्मा मोशर वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ नोवा स्कॉटिया में एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का ये जानना जरूरी है कि सेहत का ख्याल ना रखने पर अंजाम क्या हो सकता है। यहाँ नोवा स्कॉटिया में ये समस्या गंभीर है। पश्चिमी प्रदेशों के मुकाबले महिलाओं में कैंसर कम तो हुआ है, मगर प्रतिशत बहुत ही कम है। कुछ महिलाओं के लिए ये फिल्म वरदान हो सकती है, मगर क्या आपको पता है कि नियमित जांच के द्वारा गर्भाशय के कैंसर को जड़ से मिटाया जा सकता है? ऐसा अमेरिका में हुआ है। इसकी एक वजह ये भी है कि मुफ्त परीक्षण और स्वयं जांच के लिए अनेक अस्पताल और भी खुलते जा रहे हैं। आपने इस फिल्म में जो कैंसर के रोगियों को देखा वो सभी लापरवाही के शिकार थे। प्रत्येक रोगी महिला की मृत्यु नहीं, नहीं वो नॉर्मल है। जब आप फीडिंग करवा रहे हो तो मेक श्योर कि आप दोनों साइड से इक्वली करवाओ, नहीं तो दैट्स बिकॉज आप फीडिंग कर रहे हो, वो नॉर्मल है, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं। बट मेन जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन वुमेन में क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत ही प्रेविलेंट है, बहुत कॉमन है, जहाँ से आज पहले कहते थे कि जैसे 60 साल के ऊपर की लेडीज को होता है, और आजकल उसकी ये बढ़ रही है रेट, और 40 साल के ऊपर की लेडीज को भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर एक है, फिर गर्भाशय उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, वो है, ओवरीज में कैंसर हो सकता है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ लेडीज में कैंसर हो सकता है। अभी डिटेक्ट कैसे करना है, ये कोई बुखार तो है नहीं कि वो जैसे हमें टेम्परेचर फील हो गया और दिखाई दे दिया कि कैंसर हो गया। अब हम कहते हैं कि ट्यूमर होता है, तो ब्रेस्ट में ट्यूमर फील होने से ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है। अब ट्यूमर कैसे पता चलेगा, जरूरी नहीं है जब आपको फील हुआ है तो स्टेज वन है, हो सकता है कि इससे पहले वो अंदर बढ़ रहा हो। नाउ कैंसर में एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी आपको ये समझ आ जाए उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, 100% कंप्लीट रिकवरी। आपने सुना अभी डॉक्टर मैरी ने अपना कितना केस सुना है, एब्सोल्यूट रिकवरी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं, बस जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अभी ट्रीटमेंट होगा कैसे, आप खुद फीमेल्स हैं, आपकी बॉडी में क्या बदलाव आ रहे हैं ये सब आप ही को देखना है। ये सेंसिटिव इशू है, हम कई बार सोच रहे हैं कोई बात नहीं ऐसी होगी, छोटी सी गांठ है, रहने देते हैं, कोई देखने की जरूरत नहीं है, सभी को होता है। शेयर कीजिए, अपनी माँ, अपनी बहन, सहेली, कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि अपने हस्बैंड या और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, फीमेल काउंटर पार्ट से आपके नेबर है किसी के साथ भी शेयर कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। मेरी 50% ऑफ द टाइम को गांठ कैंसर भी नहीं होगी, पर बाकी के 20% चांसेस है कि वो हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपना ध्यान रखें। कई बार जैसा उन्होंने भी कहा भी डॉक्टर मैरी ने, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, सारा टाइम चला जाता है कि आप अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान आपको खुद रखना है। और दूसरी टाइप के जो कैंसर है जैसे गर्भाशय का या जो मुख का जो सर्वाइकल कैंसर मैं कह रही हूँ, उसमें भी कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, आपको लगता है
है नहीं दर्द नहीं हो रहा है, बुखार नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं, सब ठीक है, ऐसा नहीं है। शायद जब तक आपको उसके सिम्टम्स नजर आए तब तक बहुत देर हो गई। तो अर्ली स्टेज में देखिए, अगर आपके पीरियड्स हैं तो इरेग्युलर है, 10-10, 15-15 दिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। आप अपनी फ्रेंड से पूछिए, वो कहती है हाँ मुझे भी होता है कभी कभी, 2 महीने नहीं होता है। अगर 4 लोगों को चीज हो रही है समझ लीजिए नहीं है कि वो नॉर्मल है। आपके पीरियड्स शुड बी रेगुलर, इफ दे आर इरेग्युलर देयर इज सम प्रॉब्लम। और सोनोग्राफी कीजिए, प्रॉब्लम हमेशा कैंसर में ही होगी लेकिन प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। एक प्रॉब्लम आप इग्नोर करेंगे तो आगे जाके कुछ और हो सकता है। तो अभी जो भी हम वीडियो दिखाएंगे वो सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर के लिए लंप फील होता है जो अंदर फील होती है गार्ड, वो बहुत छोटी मटर के साइज की हो सकती है, बहुत बड़ी जो आता है वो फील हो, किसी भी टाइप की गार्ड हो, बर्न टाइम हम बोलते हैं हाँ चर्बी की गार्ड है छोड़ दो, नहीं टेस्ट कराइए कोई बात नहीं। मैंने कहा जैसे 90% ऑफ द टाइम वो चर्बी की ही होगी लेकिन बहुत संभावना है कि वो कैंसर की हो, सो इट्स बेटर टू बी टेस्टेड अर्ली। और कैंसर है जो फैलता है, स्टेज 1 स्टेज 2 में सर्जरी करके निकाला जाएगा, कीमो रेडिएशन बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन 3-4 में अगर वो आसपास के पार्ट्स में फैल गया है तो उसे रोकना मुश्किल है। ये आप भी जानते हैं कि अगर जख्म है एक जगह वहां पे ऑइंटमेंट लगा दिया ठीक हो जाएगा, अगर जख्म फैलता जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट उतना ही डिफिकल्ट और उतना ही हानिकारक है। ठीक है, अभी जो वीडियो देखेंगे उसमें हम कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और भी जो ओवेरियन कैंसर है उसके टाइप्स देखेंगे, उसमें आप खुद कैसे एग्जामिन कर सकते हैं अपने आप को, किसी की जरूरत नहीं है आपको, आपको खुद अपने आप को एग्जामिन करना है, वो कैसे देखेंगे और क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, वो देखेंगे। ठीक है, वो देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे डाउट्स हैं जो आपको आपके पीरियड से रेगुलर है या कोई लंप है या कोई ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले वीडियो देख लेते हैं उसके बाद। कि बहुत से कैंसर तो फालतू ही है, इसके पीछे दो बातें जुड़ी हुई थी, पहली तो अज्ञानता और दूसरी वजह जो बताई गई कैंसर को लेकर उसके पीछे आधार तो कुछ था ही नहीं। मैंने जब छानबीन शुरू की यानी जिन स्त्रियों से संपर्क हुआ तो पाया कि अज्ञानता बहुत है, इन महिलाओं के अंदर बीमारी के विषय में बस भय है। ऐसी औरतों को यदि हम इस बीमारी के भय से निकाल पाए तो जिंदगी संवार पाएंगे, इस बात से मुझे बड़ा दुख पहुंचता था कि बेचारी औरतें मर रही है क्योंकि सेहत की देखभाल से उन्हें मतलब ही नहीं। इस वर्ग के द्वारा हमारी कोशिश होगी कि अज्ञान और गलत सूचनाओं से बचा सके। हम 2 प्रमाणिक पद्धतियों को कैंसर के सुराग लेकर भी दिखाएंगे। मैं बड़ा बेवकूफ ये सोचकर कि केवल बूढ़ी औरतें मरती है कैंसर से, जबकि जवान औरतें, अमीर औरतें, गरीब औरत कैंसर की शिकार होती है। उपेक्षा मत कीजिए, ये सच बड़ा कड़वा है। महिलाओं में कैंसर, महिलाओं में पाया जाने वाला कैंसर अनेक प्रकार का है। गुप्तांगों की जांच कराए वैसे भी ठीक है। मुझे जब पता चला कि ये बीमारी दूर हो सकती है और मैं ठीक हो गई, मैं खुश था। इस फिल्म को देखना आसान बात नहीं थी, मुझे भी पहली बार परेशानी हुई देखकर। मैं नॉर्मा मॉशर वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ नोवा स्कॉटिया में एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का ये जानना जरूरी है कि सेहत का ख्याल ना रखने पर अंजाम क्या हो सकता है। यहाँ नोवा स्कॉटिया में ये समस्या गंभीर है। पश्चिमी प्रदेशों के मुकाबले महिलाओं में कैंसर कम तो हुआ है मगर प्रतिशत बहुत ही कम है। कुछ महिलाओं के लिए ये फिल्म वरदान हो सकती है, मगर क्या आपको पता है कि नियमित जांच के द्वारा गर्भाशय के कैंसर को जड़ से मिटाया जा सकता है, ऐसा अमेरिका में हुआ है। इसकी एक वजह ये भी है कि मुफ्त परीक्षण और स्वयं जांच के लिए अनेक अस्पताल और भी खुलते जा रहे हैं। आपने इस फिल्म में जो कैंसर के रोगियों को देखा वो सभी लापरवाही के शिकार थे। प्रत्येक रोगी महिला के मन में ये मानना पड़ेगा कि कैंसर का जल्दी से जल्दी पता लगाना ही इसका सही निदान है, इस जानलेवा रोग का। तो जहाँ तक स्तन कैंसर का सवाल है तो रेडियो थेरेपी से स्तन को बचाया जा सकता है। इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको है, आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली पब्लिक में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो मैं वॉलंटियर्स को बुला लेती हूँ, आप उनको बोलिए और मुझे पूछ लीजिए।
ठीक है, इज देयर एनीथिंग जो आप पूछना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, सब समझ में आ गया। बड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस है मेरी। क्या ये है, इसको अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में, तो प्लीज आपको कुछ भी क्वेश्चन है ना, प्लीज पूछो। इतना 20 रुपया डालेगा कुछ तो फायदा होगा, प्लीज पूछो। अगर आप लोग को नहीं हो रहा है कुछ,